मंदिर में जाइएगा, पूजा कीजिएगा, कितने ही वट वृक्षों के चारों तरफ धागा बांधिएगा, कितने ही बरगदों की पूजा कीजिएगा, लेकिन साहब आपके घर की पूजा तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक आप अपने घर के आंगन की तुलसी के नीचे दिया नहीं जला देंगे। मैं सौंपना चाहता हूं आपके घर के आंगन की तुलसी, भाई सुरेंद्र जैन जो इस बड़े 6 महीने से इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं, आपकी तालियों के बीच में 2 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं और सुरेंद्र जैन जी का आह्वान करता हूं कि मेरा मन है कि वो कुछ गीत पढ़े कि अगर जो देखना चाहते हो इस परिंदे की उड़ान को, बलराज जी मुझे पता चला है कि आपने शुरुआत कराई है, कि अगर जो देखना चाहते हो इस परिंदे की उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। आपकी जोरदार तालियों के बीच सुरेंद्र जैन जी। धन्यवाद श्रीकांत जी। मैं आज अपनों के बीच में उपस्थित हूँ और मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक, बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूँ कि मेरे जीवन के आदर्श, मेरे प्रेरणा के स्रोत बड़े भाई पिता तुल्य बलराज पासी जी हैं। मुझे बहुत सारी बातें पिछले 35 वर्षों की याद है, लेकिन एक बात जो मुझे याद है, जो मेरे दिल को झकझोर देती है, वो बात को मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। मुझे याद है 1991 का चुनाव, बलराज जी बड़े दुर्गम क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाया करते थे। मेरा भी मन हुआ कि बलराज जी मैं आपके साथ चलूंगा, मैं बहुत छोटा था। बलराज जी ने मना किया लेकिन मैं नहीं माना, मेरे जिद के आगे उनकी नहीं चली, वो मुझे लेकर गए। और फिर एक दुर्गम स्थान पर जब हम गए तो मैं एक पहाड़ी पर चढ़ नहीं पाया, तो मेरी हाइट कम थी, बलराज जी लंबे चौड़े हैं थे रहेंगे, बलराज जी ने दोनों हाथ पकड़कर मुझे उस पहाड़ी पर, उस ऊंचाई पर बिठा दिया। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो ऊंचाई बलराज जी ने मुझे दी है उसको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। इस मंच से मैं याद, क्या बात है, बास रे जी बास। अभी काव्यश्री ने माँ की बात की, मेरी माता आज यहाँ बैठी है, उनको जो 4 पंक्तियां मेरी सबसे अच्छी लगती है, मैं उन 4 पंक्तियों से इस काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहूंगा। अपनी माता के चरणों में 4 पंक्तियां रखना चाहूंगा। स्वागत भैया, स्वागत। कभी लोरी सुनाती है, कभी थपकी लगाती है, समझ कर चांद मुझको तो वो एक टीका लगाती है। क्या कहने, मिले दो पल खुशी के तब ये धड़कन गुनगुनाती है कि बचपन लौट कर आओ तुम्हारी याद आती। क्या बात है भैया, वाह 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 वाह। मैं एक गीत सुनाना चाहूंगा जिस गीत के लिए उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग ने मुझे सम्मानित किया था। आदरणीय कुंवर बेचैन जी बैठे हैं, आदरणीय प्रताप जी बैठे हैं, मैं उनको साक्षी मानकर इस गीत को सुनाना चाहूंगा। जीवटता की उषा बन तुम पग डग पग भरती आती हो, सुने मन को पुलकित कर तुम गीत मिलन के गाती हो, पाठक बन तुमको पढ़ता मैं श्वेत जूही की झालों में, कैसे तुम मादकता भर देती आम्र वृक्ष की डालों में, कोयल के मुख से रीना झीना तुम कैसा गीत सुनाती हो, वह प्रेम वृक्ष बन जाता है तुम कैसी पौध लगाती हो, तुम कैसी पौध लगाती हो। आतंकवाद के विरुद्ध जब मैंने वो बंद लिखा था सन 2000 में, आपके सामने रखता हूँ। स्वागत। इन रक्त पिपासु झूठों पर टूटो बन कर तुम वज्रपात, यह चीर हरण सा दिख रहा सहता समाज नित क्रूर घात, इस दावानल की ज्वाला से भयभीत सभी निर्भय कर दो, खग कलरव से गूंजे तड़ाग जल जात सभी निर्भय कर दो, अविरल अविरल शांति की धार बहे
और धरती नव श्रृंगार करे, बस यही कामना है मेरी। हम सजग सरल उत्थान करें, सजग सरल उत्थान करें, इस धरा के कण कण से जन जन का भाल सजाती हो। एक अकेले मैं तो तू हम बनना सिखलाती, हम बनना सिखलाती। ये प्रकृति जिसके लिए हम लोग, जिसके कारण हम लोग आज जीवित हैं, उसकी रक्षा हमें कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार हमारा समर्पण इस प्रकृति के लिए होना चाहिए, एक बंद में रखता हूँ। अश्रु जल से स्वच्छ करूं नित प्रकृति नटी के कण कण को, मन वितान से आवृत करूं नित जीर्ण शीर्ण लघु जन मन को, वायु मेघ वसुंधरा रतना कर जीवन की राशि, सृष्टि बद्ध निज धर्म भाव को याद करो भारतवासी, सब याद करो भारतवासी, पर्वत सागर नदिया धरती आकाश वृक्ष जल जीवन है, खेत और खलिहान कृषक श्रम हस्त वैभव हल जीवन है, नव पल्लव किस लेते सुषमित हर खेत खेत लहराती हो, वह प्रेम वृक्ष बन जाता है तुम कैसी पौध लगाती हो। इस देश में साल भर में आतंकवादी जितने लोग मार पाते हैं, जितने लोग आतंकवादी साल भर में इस देश में मार पाते हैं, उतने लोग प्रतिदिन इस देश में भुखमरी से मर जाते हैं, प्यास से मर जाते हैं, उनकी संवेदना का एक बंद बनता है। विप्र देव यह नाद मनुज का अंतर मन जब गाएगा, विप्र देव यह नाद मनुज का अंतर मन जब गाएगा, दीप प्रज्वलित देवालय का सज्जित शोर तब आएगा, होठ प्यास और पेट भूख से जब भी पीड़ित होते हैं, उर्मसान बन जाता है और देवाले भी रोते हैं, और देवाले भी रोते हैं, उर्मसान बन जाता है और देवाले भी रोते हैं, जब तक एक भी तन भूखा और मन सूखा रह जाएगा, कैसे सोने की चिड़िया अपना भारत कहलाएगा, अपना भारत कहलाएगा। मानवता के हित साधन तुम बार बार कुलाती हो, वह प्रेम वृक्ष बन जाता है तुम कैसी पौध लगाती हो तुम। धन्यवाद। जोरदार तालियां चाहता हूं पूरे सदन से। एक आज से 20 साल पहले मैं एक वृद्ध आश्रम में गया था और वहां पर 40-42 बुजुर्गों को देखा, और उन बुजुर्गों को देखकर मेरे मन में जो पीड़ा थी तब मैंने वो लिखा था। उस गीत को आदेश हुआ है पढ़ने का, तो मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। स्वागत भैया। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक मुक्तक पढ़ना चाहूंगा। स्वागत स्वागत। करुण टी से सुनाना भी हुआ कितना कठिन देखो, रुदन के गीत गाना भी हुआ कितना कठिन देखो, ये भावुक मंत्रणाएं लुप्त खोया प्रेम का दर्पण, सरल जीवन बचाना भी हुआ कितना कठिन देखो। इस गीत में बुजुर्गों के लिए मैंने दीपक प्रतीक लिया है, और बुजुर्गों के लिए दीपक का प्रयोग, दीपक नामक प्रतीक का प्रयोग किसने नहीं किया, मैं करता हूं, और मैं आपके सामने वो गीत रखना चाहूंगा जिसका आदेश मुझे मंच से हुआ है। स्वागत भैया। बुझते दीप व्यथा सुनाए, निज जीवन की कथा सुनाए, जीवन मेरा पल भर का है, चले हवा तो बुझ बुझ जाए, चले हवा तो बुझ बुझ जाए, फफक फफक जलती बाती
और सुबक सुबक मेरा रोना, तन में मेरे लचक नहीं, अब दे दो मुझको एक बिछोना, दे दो मुझको एक बिछोना, टूट फूट कर बिखर जाऊं तो ठोकर ना लगा देना, टुकड़ों को संभाले रखना, गंगा में बहा देना तुम, गंगा में बहा देना, तमस भरे जीवन की शंका में मेरा मन घबराए, जीवन मेरा पल भर क्या है, चले हवा तो बुझ बुझ जाए। वृद्धाश्रम में रहने वाले उन वृद्धों को मन में क्या पीड़ा उत्पन्न होती है सुनिएगा जी। स्वागत भैया। चिंता मेरी कभी न करना, अपना रखना ध्यान सदा, बहुओं बच्चों के होठों पर तुम रखना मुस्कान सदा, तुम रखना मुस्कान सदा, कष्ट नहीं यह कोई मुझको, खूब मजे में रहता हूँ, सुनते हैं सारे साथी इन्हें खूब कहानी कहता हूँ मैं, खूब कहानी कहता हूँ, पथराई इनकी आंखें सब, निंदिया किसको कब आए, जीवन मेरा पल भर का है, चले हवा तो बुझ बुझ जाए। इस बंद का, इस गीत का आखिरी बंद जिसको मैंने आंसुओं से लिखा है, अगर तालियों की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात का एहसास करा दीजिए कि आप मुझे मन से सुन रहे हैं। गीत सुनाता हूँ, बड़ा कठिन ये बंद है, मैं गा नहीं पाता हूँ लेकिन मैं कोशिश करूंगा। स्वागत करें जी सर, ध्यान जाऊंगा। तुम तीनों के चारों बच्चे मुझको याद बहुत आते, थुनक रहे होंगे आंगन में, इठलाते और मुस्काते, सब इठलाते और मुस्काते, तुम तीनों के चारों बच्चे मुझको याद बहुत आते, थुनक रहे होंगे आंगन में, इठलाते और मुस्काते, सब इठलाते और मुस्काते, घुटने चलता था तब मुन्ना, अब स्कूल गया होगा, बेटा मिलवा दो पोते से, मुझको भूल गया, बेटा मिलवा दो पोते से, मुझको भूल गया होगा। एक बार हाथ लगा ताली बजनी चाहिए भाई, वाह भाई, सार्थक कविता सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। आदरणीय प्रताप जी ने आकर मुझे माला पहनाई, मेरी जिंदगी की इससे बड़ी माला अब तक नहीं थी, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रताप जी का। भाई कविता हो रही है, वाह 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 वाह, मेरे ये एकदम रस परिवर्तन हो गया। नहीं, इसने देख लिया मोनिका ने कि सामने भाभी जी बैठी हैं, इसलिए मिलवा दो पोते से, मुझको भूल गया होगा वो, मुझको भूल गया होगा, कंठ है मेरा बहुत प्यासा, चाहता हूँ लोरी गाए, जीवन मेरा पल भर का है, चले हवा तो बुझ बुझ जाए। क्या बात है, चले हवा तो, धन्यवाद।